दादा कुंडू के लिए किया था वही काम आज मेरे कलाकार लोग के ऊपर आए हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर बासव ठाकरे जिंदा रहते तो ये हमारे ऊपर नौबत नहीं आती थी। आज ये इंस्ट्रूमेंट आम्ही विकायला काढलेला आहे, ते विकण्याची आमची आमची आदत नाही आहे। रंगकर्मी कलाकारों ने किया आंदोलन। 9 अगस्त सोमवार को मीरा भाईंदर शहर के कलाकारों ने आज मीरा रोड के गोल्डननेस परिसर में अपने वाद्य यंत्र के साथ आंदोलन किया। कलाकारों की मांग है कि जिस तरह से इस कोरोना महामारी में सभी को टप्पे टप्पे में छूट दी जा रही है, उसी तरह कलाकारों को भी छूट दी जाए, जिसके कारण कलाकार भी अपना घर बार चला सके। इस कोरोना महामारी में कलाकारों पर भूखमरी की बारी आ गई है, जिसके कारण उन्होंने अपना साहित्य बेचना है, इस तरह का बोर्ड लेकर आंदोलन किया। मागणी अशी आहे की महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे म्हणजे सगळं काही एका म्हणजे काय बोलतात टक्केवारीमध्ये सुरू आहे, पण आमच्या कलाकारांचं काय नाही। कलाकार मागील 2.5 वर्षापासून असंच उपाशी मरतो आहे, उपास मरणाची वेळ आली आहे। हां 50% नाही तर काहीतरी टक्केमध्ये कलाकारांचं सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू करायला पाहिजे अशी आमची सरकारची मागणी आहे। अशी वेळ आली आहे की आम्हाला आमचे वाद्य विकायची वेळ आली आहे, उपासमारीची वेळ आली आहे, कसं चालणार असं। म्हणून आम्ही सरकारची अशी गुहार करतो आहे, अशी मागणी करतो आहे की आमची म्हणजे कलाकारांची पण काही आहे का, कारण कलाकार सुरुवातीपासून अभिमानाने आणि स्वाभिमानाने जगत आला आहे, पण अशी परिस्थिती आली आहे की अगदी स्वतः तर उपाशी मरतात आणि आमच्या मागे 4 जे खायला बसले आहेत त्यांना पण उपाशी मरायची वेळ आली आहे। आणि जे आमचे म्हणजे सरस्वती बोलतो आम्ही ज्याला वाद्याला, ती विकायची वेळ आली आहे। आज की जो मांग है मेन तो ये रंगकर्मी कलाकार यानी स्टेज आर्टिस्ट जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं उनकी थिएटर चालू होना चाहिए, उसके साथ में जो अपने अपने एरिया में कार्यक्रम्स होते हैं वो चालू होना चाहिए, क्योंकि गए 1.5 साल से कोरोना महामारी के वजह से उनका रोज़गार पूरा ठप हो चुका है। उसी के साथ में इस व्यावसायिक कलाकार को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और उनको गवर्नमेंट ऑफिस में उनकी नोंदनी होना जरूरी है। जैसा कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि तमाशा कलाकार हो या लोकनाट्य कलाकार हो, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने CM साहब ने अनुदान डिक्लेयर किया, उसी धरती पर ये जो व्यावसायिक रंगकर्मी कलाकार है उनको भी नोंदनी करके उनको भी अनुदान दिया जाए और उनकी इंडस्ट्रीज़ में जो बोले तो अपना जैसा माथाड़ी कामगार बोर्ड होता है, घरेलू कामगार बोर्ड होता है, उसी धरती पे इनकी भी नोंदनी किया जाए और उनको भी उनके हक के हक में न्याय मिले। कोरोना महामारी में कलाकारों पर अब भूखमरी की बारी आ चुकी है। इस वक्त हम खड़े हैं मीरा रोड के गोल्डननेस परिसर में, यहाँ कलाकार आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कलाकारों से किस तरह का आंदोलन किया जा रहा है, क्या आंदोलन का मकसद है। जय हिंद, मी मीरा भाईंदर वरुण ऑस्कर डिसोजा बोलत आहे। आता सध्या तरी आम्ही एकदम आंदोलन करून घेतलेलं नाही आहे, तरी आम्हाला या व्यवस्थेमध्ये कार्यकर्ता त्यांच्या पोलीस स्थानकापर्यंत आम्हाला नेत आहे, कारण की आम्ही भुकेमारी आहोत। आम्ही आज हे इन्स्ट्रुमेंट विकायला काढलेलं आहे, आमच्या परिस्थिती अलग आहेत। त्या मावशांनी जे मोदे आहेत, जे मोठे पदकारी आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर आमचं हे मागणं ऐकून घ्यावं। तर विनंती करतो की लवकरात लवकर त्यांनी काहीतरी आमच्यासाठी सहाय्य करावं आणि आमची जी काही पोटगी आहे ती आम्हाला भेटावी। आज हे इन्स्ट्रुमेंट आम्ही विकायला काढलेलं आहे, ते विकण्याची आमची आमच्या आदत नाही आहे। सरकारकडून काय मागणी करत आहे? सरकारकडून आमचं एवढंच मागणं आहे की लवकरात लवकर हे आम्ही लवकरात लवकर आमचे बँड पथक किंवा काहीतरी ऑर्केस्ट्रा प्लेयर आहेत किंवा जे लोक नाशिक बाजे आहेत किंवा बँजो पार्टी आहे ते लवकर लवकर चालू करावे। कलाकार अपने साहित्य बेचने के लिए निकाले, इस वक्त हमारे साथ में और एक कलाकार है, क्या नाम है आपका? सर मैं वासुदेव पाटिल, और अभी 1.5 साल हुआ कुछ है नहीं घर में, और ये सामान हम बेच के हम लाइट का बिल भरना चाहते हैं, क्योंकि मंडे को मेरे को नोटिस आया हुआ है सर कि मेरे को लाइट अगर ये मैं नहीं बेच पाया और प्रोग्राम नहीं चालू हुआ तो सबसे पहला मेरा मीटर काटा जाएगा। मेरे पास सर नोटिस भी उसका है, और मैं तो बोलता हूँ सर कि जब बासव ठाकरे थे तभी एक भी टॉकीज नहीं मिल रहा था, जब दादा कुंडू एक मराठी पिक्चर रिलीज़ किया था तो एक भी टॉकीज नहीं मिल रहा था, तो दादा कुंडू बासव ठाकरे के पास चले गए और उन्होंने टॉकीज मांगा वो पिक्चर लगाने के लिए, तो उनको 2 टॉकीज मिले और आज भी उनका ही सरकार है सर, उनका ही बैठा हुआ उद्धव ठाकरे साहब। अगर ये जो करेंगे तो ये उनका नाम लास्ट तक याद रहेगा लोगों को,
कि जो मेरे पिताजी ने जो किया था वही टाइम आज मेरे पास आया है, तो कलाकार के लिए अगर वो करेंगे तो उनका सरकार है तो ये सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ये लोग कभी भी भूलेंगे नहीं कि जो मेरे पिताजी ने उस टाइम दादा कुंडे के लिए किया था वही काम आज मेरे कलाकार लोग के ऊपर आया हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर बासव ठाकरे जिंदा रहते तो ये हमारे ऊपर नौबत नहीं आती थी। पुरानी यादें ताज़ा करके कलाकारों ने ठाकरे सरकार को इस भूखमरी से बचने के लिए याद दिलाया। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं अजीम तांबोली, मीरा रोड। मास्क मास्क।